टैक्स चोरी मामले में लोकायुक्त की छापेमार कार्रवाई जारी है। खनिज अधिकारी प्रदीप खन्ना को आज उनके आलिशान बंगले का रुख कराया गया। यहां आगे की कार्रवाई जारी रखते हुए बंगले की तलाशी ली गई है। बंगले की अनुमानित कीमत करीब 1 करोड़ आंकी गई है। वहीं लोकायुक्त अधिकारी ने जानकारी देते हुए आगे और भी कई बड़े खुलासे करने की बात कही है। प्रदीप खन्ना पर लोकायुक्त का शिकंजा कसा हुआ है। बर्ग कॉलोनी में बने आलिशान बंगले की तलाशी लेने के बाद लोकायुक्त दल ने जानकारी देते हुए बताया कि खन्ना के 7 बैंक खातों की जानकारी मिली है। अधिकारी बैंक को खत लिखकर उसमें जमा राशि की जानकारी मांगने की तैयारी में है। इसके साथ ही कई बिंदुओं पर जांच पड़ताल भी जारी है। अंदर सर्च कर रहे हैं और इन्वेंट्री तैयार की जा रही है कि घर में जो जो भी सामग्री डॉक्यूमेंट्स सब खंगाल रहे हैं। अगर कुछ चीज़ें मिलती हैं तो फिर उस हिसाब से आपको और अपडेट करूंगा। अभी तक जितनी हमने की है उसमें केवल यहाँ भी चूँकि शिफ्ट नहीं हुए तो जो सामान है वो वही है। अभी तो सामान की इन्वेंट्री बना रहे हैं। सर, और कुछ सामने आया अभी तक? कुछ बताया इन्होंने किस तरह से ये पूरा मकान बनाया था? काफ़ी लग्जरियस ये मकान बताया। हाँ, अच्छा लग्जरी मकान है, भव्य मकान है ये। और ये जो है 2017 से बनाना शुरू किया है इन्होंने और अभी बन के तैयार हुआ ये। इसमें सारी सुविधाएँ उन्होंने सम्मिलित की है अपनी। सर, भोपाल में जो कार्रवाई करी थी उसमें अभी तक कितने का आंकड़ा छूट गया? कल भोपाल में जो कार्रवाई करी थी उसमें 9 लाख रुपए हमें नगद मिले थे और 14 लाख रुपए के स्वर्ण रजत आभूषण प्राप्त हुए थे। इसके अलावा इनके 7 बैंक अकाउंट थे जिनके लिए अभी हमने चिट्ठी लिखी है और बैंक की भी जानकारी जैसे मिल जाएगी तो उसमें भी आपको अगला अपडेट दे देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, JSR टाइम्स, इंदौर।